अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से एकदम अच्छी हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में जो छोटा सा क्लिप था एक पार्क का, वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हमारी बेटी को ले गए थे। वहाँ पर एंटरटेन कराने फ़र्स्ट टाइम किसी पार्क में ले गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा वो इतना डर रही थी क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग एक कोने में बैठे रहे, कुछ वीडियोज़ बनाई और कुछ फ़ोटोज़, और वहाँ से वापस घर आ गए थे। और ये वीडियोस ज़ैनब मार्केट की हैं। यहाँ पर अचानक मेरे हस्बैंड को ख़्याल आया कि उनको शॉपिंग करनी है और मुझसे कहा कि चलो साथ में, तो मैं भी गई थी। हम लोग गए थे मेरे हस्बैंड की शॉपिंग के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ पर लग गए अपने फ्रेंड के बेटे के लिए। उन्होंने पहले ही कहा हुआ था कि ईद के लिए उनको कुछ कपड़े चाहिए अपने बेटे के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अपने लिए वो बाद में भी कर लेंगे, पहले उनके लिए करें क्योंकि वो यहाँ पर होते नहीं हैं, बलूचिस्तान में होते हैं। माशाल्लाह से कपड़े काफ़ी अच्छे थे, कलर्स पैंट्स और टी शर्ट के मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये कॉलर में दिखाओ ऐसे ही प्रिंटेड अलग अलग में, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और कुछ इसका नारा देख के मुझे याद है मैं कितने में ले गया। रेट इतना बढ़ गया क्या नहीं नहीं ऐसे। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर घूमते रहे कि कुछ अच्छा मिल जाए, ये शॉप वो शॉप। काफ़ी देर घूमने के बाद भी हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। मैं तो इस नीयत से गई थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा ड्रेस वगैरह मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ख़ास कोई चीज़ पसंद नहीं आई। ऑलरेडी मैं काफ़ी शॉपिंग कर चुकी हूँ उसके लिए, लेकिन बच्चों के लिए जितनी शॉपिंग की जाए उतनी कम है। शॉपिंग करते वक्त मेरा दिल इतना ठंडा, कुछ खाने को मन कर रहा था, कुछ आइसक्रीम, मिल्क शेक वगैरह, ख़ासकर आइसक्रीम। तो हम लोग आए थे ये आइसक्रीम शॉप, तो मैंने ये जेली आइसक्रीम ऑर्डर की। मेरी आदत है हमेशा कुछ नई चीज़ ट्राई करने की, तो मैंने ये ऑर्डर की लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मेरे हस्बैंड ने ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिल्क शेक ऑर्डर की जो काफ़ी अच्छी थी। और ये किसी और दिन की वीडियो है। यहाँ मैं सालन बना रही हूँ, बीफ कढ़ाई, बीफ के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वरना हमेशा चिकन ही होता है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेन्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ासकर जब मेन्यू महदूद हो, मतलब फ़िश, चिकन और बीफ इन सब में महदूद रहती है। और मेरे हस्बैंड को रात को सब्ज़ियाँ नहीं पसंद खाने के लिए, तो मैं नहीं बनाती सब्ज़ियाँ, मुझे अच्छी लगती है, मेरी अम्मी को अच्छी लगती है, लेकिन हम वही बनाते हैं जो मेरे हस्बैंड खाते हैं। मैं कहती हूँ कि एक खाना बने तो बेहतर है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वैरायटी चेंज हो। अगर लास्ट टाइम मैं चिकन कढ़ाई बनाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं बीफ के साथ कढ़ाई बनाऊँ या निहारी में इसे चेंजेस करूँ। अगर कीमा मैंने सालन बनाया, तो नेक्स्ट टाइम उसकी चावल के साथ या बिरयानी के साथ ऐसा कुछ करूँ। मेरी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा दिन की मेन्यू में बनाऊँ एक साथ, तो मेरा टेंशन कम होता है इस तरह, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता रोज़ कि मुझे क्या बनाना है आज। तो मैं एक दिन ऐसा करती हूँ कि अच्छी तरह सोच के नोट पेन में लिख लेती हूँ कि मुझे इस हफ़्ते क्या बनाना है। मेरी कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा दिन हो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मैक्सिमम 5 दिन का मैं बना पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं सब्ज़ियाँ ले कर रख दूँ, क्योंकि ये शहर कराची है, यहाँ लाइटें जाती हैं, तो वो चीज़ ख़राब ना हो ये भी सोचना पड़ता है मुझे। और माशाल्लाह से इस तरह करके मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यूँ हुआ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल के मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ता घर वालों से कि आज क्या बनाना है। अपने हस्बैंड से पूछती थी तो वो कहते थे अपनी मर्ज़ी का बनाए, जो मर्ज़ी हो वो बनाए, कहते तो वो यही थे, लेकिन आखिर में उनकी ही मर्ज़ी होती थी कि उनको क्या खाना है। अपनी अम्मी से पूछती थी तो वो भी कि जो मर्ज़ी बनाए, तो एट द एंड सारा बोझ मेरे ऊपर ही आता था कि सोचना मुझे ही पड़ता था। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पैसों की बचत हुई।
वो इस तरह से कि मैं जब डेली ख़रीदारी करती थी तो मेरे एक्स्ट्रा पैसे जाते थे और आलतू फालतू की चीज़ें भी आ जाती जो बाद में बेकार जाती। लेकिन नहीं, जब से मैंने अपना ये स्केड्यूल स्टार्ट किया और फाइव टू सेवन डेज़ का मैंने स्केड्यूल अपना मेन्यू रेडी करके रख दिया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पैसों की बचत हो रही है और आलतू फालतू की चीज़ें भी नहीं आ रही घर में, बस वही चीज़ें आ रही हैं जो इस्तेमाल होनी है। और इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हूँ। और यहाँ वीडियो में आप सबको दिख रहा है कि मैं कढ़ाई बना रही हूँ, बीफ कढ़ाई, तो वो मैं इस तरह बना रही हूँ। पहले तेल गरम करके मैंने उसमें गोश्त डाला, उसका कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, तो फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और दो तीन मिनट तक मैंने उसको भुना। भुनने के बाद मैंने उसमें शान कढ़ाई मसाला रेडीमेड है जो वो मैंने डालकर उसको भुना अच्छे से। और भुनने के बाद मैंने दो तीन कप के अंदाजे तक मैंने उसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने उसको ढक दिया और एक घंटा डेढ़ घंटे तक मैंने उसको छोड़ दिया ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और उसके बाद मैंने चार पाँच मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको काट के डाल दिया और फिर और पानी डाल दिया और उसको फिर से ढक के मैंने छोड़ दिया ताकि गोश्त भी मज़ीद गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो। और इस तरह करके मैंने आधे घंटे से ऊपर उसको गलने के लिए छोड़ दिया था और बीच बीच में मैं चेक कर रही थी। और यहाँ मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि वो ठीक से गला है कि नहीं, और माशाल्लाह से अच्छे से गल गया है। मेरी अम्मी कढ़ाई बनाती है तो वो टमाटर का पेस्ट बना देती है तो उनको इस तरह इजी लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरह पसंद नहीं है तो मैंने इस वजह से टमाटर इस तरह के काट के डाल दिए थे और अच्छा खासा पानी भी डाल दिया था ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए तो उनको ईज़िली मैं मैश कर सकूँ। और माशाल्लाह से गोश्त भी गल गया और टमाटर भी इतने गल गए थे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि एक भी साबुत टमाटर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था और मुझे बहुत मज़ा आया बनाते हुए। और यहाँ सालन का पानी इतना खुश्क हो चुका था कि मैंने थोड़ा सा पानी उसमें और डाल दिया था। वो तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो जितना शोरबा स्टाइल करना चाहे कर सकते हैं। एट द एंड मैंने इसमें हाफ लेमन डाल दिया और साथ में कुछ मिर्चें इसमें डाल दी जो आपको अभी वीडियो में दिख जाएंगी। तो बस ये थी मेरी बीफ कढ़ाई। होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।